लीजिए, क्या है आप लोगों की डिमांड, आप लोग ने यहाँ पे प्रदर्शन क्यों किया? हम लोगों का दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम लोग ने बहुत ट्राई किया कि हम लोग का एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर, हमारी जो वर्षा गायकवाड़ एजुकेशन मिनिस्टर है, वो सुन नहीं रही है। तो एट लास्ट हम लोग को प्रोटेस्ट पे आना ही पड़ा। आप चाहिए तो स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो, आप स्टूडेंट्स की राय जान लो, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, जो भी है ये सब स्टूडेंट्स की वजह से है। जितना भी हो सके उतना स्टूडेंट्स को पूछो उनके क्या डिमांड्स है। मैं तो ग्रेजुएट पास हो चुका, मेरा मैं जॉब वाला इंसान हूँ, मैं जो किया वो स्टूडेंट्स के लिए किया। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जान सके स्टूडेंट्स क्या बोलना चाहते हैं, आप उनसे पूछो। क्या कहेंगे आप? वर्षा गायकवाड़ जी बोलती है कि ऑनलाइन एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोरोना है। पर तुम कैसे समझ सकते हो कि 30 लाख बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई हो चुका है और वो बच्चे 60% लेके आएंगे? आप कौन से बेसिस पे अज्यूम कर सकते हो कि 30 लाख बच्चों का पढ़ाई हो चुका है और वो वेल प्रिपेयर्ड है कि हम जाके ऑफलाइन पेपर दे, जब तुम ऑनलाइन पेपर ले सकते, ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हो, तो ऑनलाइन पेपर लेने में क्या तुम्हारा वो है? डिमांड क्या कर रहे हैं? हमको ऑनलाइन एग्जाम चाहिए। इस मामले में कुछ जो है अधिकारी या फिर शिक्षण मंत्री से कुछ बातचीत हुई है आप लोगों की? सर, बहुत हमारे जो YouTube के टीचर्स है उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, एडवोकेट मैडम है अनुभा साई मैडम, उन्होंने बहुत किया, वो मंत्रालय तक गए, सबको लेटर्स दिया, सबसे बातचीत की, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। स्पेसिफिकली उन्होंने हमें इग्नोर किया, क्योंकि वी आर टोटली पीसफुल, हमने कोई ऐसा मतलब लाइक अभी कैसे हमने मोर्चा किया, ऐसा कुछ नहीं किया था, हम सिर्फ जाके लेटर दे रहे थे, आदित्य ठाकरे जी को भी लेटर दिया, सबको करके ओके सर, उसके बाद में हमें कोई रिस्पांस नहीं आता, तो दिस इज द पोजीशन, तो हमको बाहर आना पड़ा। ऐसा हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे लेडीज गर्ल्स स्टूडेंट हैं, क्या कहेंगे आप लोग परीक्षा जो है ऑफलाइन लेने का डिसीजन जो है गवर्नमेंट ने? गलत है, ये एग्जाम्स ऑनलाइन ही होना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लिए थे, तो हाउ कैन दे एक्सपेक्ट कि हम ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि किसी को भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम रहता था, तो एग्जाम ऑनलाइन ही होना चाहिए। एग्जाम्स ऑनलाइन होना चाहिए, ऐसी मांग जो है छात्र कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है साल भर हुई है, तो हम एग्ज़ाम ऑफलाइन कैसे देंगे? ऑनलाइन पढ़ाई जो है साल भर किए स्कूल्स द्वारा लिए गए हैं, तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। अगर आपको इधर की बात बता दें कि यहाँ पर इन छात्रों द्वारा प्रिकॉशंस जो है कोरोना को लेकर जो है वो बढ़ता जा रहा है, इनके चेहरे पे मास्क है, साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है इन्होंने बनाए रखे है, और ख़ासतौर पर इनकी डिमांड है शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ को इस्तीफ़ा देना चाहिए। डीआरवी न्यूज़ के लिए राहुल पांडे, मुंबई।